एसके कंस्ट्रक्शंस कंपनी के मालिक की हत्या के मामले में आया नया मोड़। पहले भी हत्या के लिए दी गई थी सुपारी। एसके कंस्ट्रक्शंस कंपनी के मालिक से दरभंगा के सबसे बड़े ठेकेदार कुशेश प्रसाद सिंह की गोली मारकर हत्या। सदर थाना क्षेत्र के NH 57 पर रानीपुर में सुबह सुबह की गई शनिवार को। इस मामले में एक नया मोड़ आया है सामने। मृतक के भाई दिवाकर शाही के आवेदन में आरोप सीतामढ़ी जिला के थाना रुन्नी सैदपुर के रहने वाले नीरज मुखिया पर लगाया गया है। बताया गया है कि नीरज मुखिया ही साजिश करता है, यह आरोप मृतक के भाई ने FIR में लगाया है। नीरज मुखिया ने पहले भी कुशेश प्रसाद सिंह को मारने के लिए मुजफ्फरपुर के शूटर को 6 लाख की सुपारी दी थी, यह भी आरोप FIR में लगाया गया है। मारने की साजिश सीतामढ़ी के नीरज मुखिया ने रची थी। आरोपी नीरज मुखिया ने कुछ माह पहले मृतक की पत्नी का भी अपहरण कर लिया था। मृतक के भाई दिवाकर शाही ने पुलिस को दिए अपने आवेदन में यह आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान तेज कर दी है। SSP ने मीडिया के समक्ष देर शाम कहा कि अभी तक के अनुसंधान में लूट, रंगदारी या व्यावसायिक दुश्मनी की वजह से नहीं हुई है हत्या। हत्या के पीछे मृतक का विवाह भी है एक कारण। सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है पुलिस। SFL की टीम भी लगाई गई है, कई थानों की टीम काम कर रही है और SIT कर रही है पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन। देखिए, सुबह सदर थाना अंतर्गत व्यवसायी श्री कुशेश प्रसाद जो है उनकी हत्या का मामला हुआ है। अभी तक का जो अनुसंधान है उसमें कोई व्यवसायिक या रंगदारी रिलेटेड कोई जो है बैकग्राउंड इसमें हत्या में नहीं उभर करके आ रहा है। रादर इसमें व्यक्तिगत पारिवारिक कुछ जो है विवाद का मामला अभी तक के अनुसंधान में आ रहा है। क्या पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है? कुछ इनका जो परिवार है उसमें इनकी विवाह से रिलेटेड कुछ जो है वो विवाद के बिंदु सामने आ रहे हैं। उन बिंदुओं की आगे जो है अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। हमारी टीम्स जो है वो जिला अंतर्गत और जिला के बाहर विभिन्न स्पॉट्स पर छापामारी कर रही हैं, निकली हुई हैं छापामारी के लिए। साइंटिफिक जो है टीम FSL की भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और अन्य जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बिंदु हैं उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी तक का जो अनुसंधान है उसमें अंदाजन लगभग 3 की संख्या में अपराधियों के होने की बात सामने आ रही है।